और अगर नींद में इंसान हो, ठीक, और नींद में इंसान और मनी खारिज हो जाए, ठीक, मिसाल के तौर पर आदमी ने कोई ख्वाब देखा हो और ख्वाब देखने से जिसको अहतलाम कहते हैं, बहरहाल अहतलाम हो जाए और कोई ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद जो है मनी खारिज हो गया हो, तो याद रखिए इस मामले में भी गुस्ल वाजिब है। हाँ, अगर ख्वाब देखा हो लेकिन मनी खारिज ना हुआ हो तो फिर गुस्ल वाजिब नहीं, ठीक, लेकिन अगर ख्वाब देखा हो और मनी खारिज हो गया हो तो याद रखिए यहाँ भी गुस्ल वाजिब है, इसको अहतलाम कहते हैं। तो एक जनाबत जिस वजह से गुस्ल वाजिब हो जाता है, जनाबत के अंदर चाहे मनी खारिज हो या ना हो दोनों ही शक्लों में हो जाता है, ठीक, या मुकम्मल अमल हो ना हो, सिर्फ दाखिल किया किसी वजह से उसको दूर हट जाना पड़ा अपनी बीवी से, ऐसे मसाइल हो सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको छोटे बच्चे हैं, ठीक, कि इंसान जो अपनी बीवी के साथ जो है इरादा किया हो, दाखिल हुआ हो, बच्चा उठ गया, फलां हो गया, ये हो गया, तो इंसान दूर हट जाता है, लेकिन अब उस पर गुस्ल वाजिब हो गया, फिर चाहे वो बाद में जिमा करे या ना करे, गुस्ल उससे वाजिब हो। वरना बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, ऐसा हुआ मैं क्या करूँ, ठीक, तो उस पर गुस्ल याद रखिए वाजिब हो गया, क्योंकि यहाँ हालांकि मनी खारिज नहीं हुई लेकिन फिर भी हुआ, हो जाए तब भी हुआ, या इसी तरह अहतलाम हो जाए, मतलब नींद लगी, ख्वाब देखा और ख्वाब के बाद मनी खारिज होना शर्त है याद रखी, तो भी उसका गुस्ल जो है उस पर वाजिब हुआ। और अहतलाम मर्द को भी हो सकता है, अहतलाम औरत को भी हो सकता है, तो इन शक्लों के अंदर गुस्ल जो है एक शख्स के ऊपर या उस औरत पर या उस मर्द पर याद रखिए गुस्ल वाजिब हो जाएंगे याद रखिए। अब ज़रूरी है, फ़र्ज़ है उसके ऊपर कि वो गुस्ल ले ले, और ये चीज़ गुस्ल को तोड़ भी देती है, इसीलिए उस पर गुस्ल वाजिब और फ़र्ज़ हो जाता है, ठीक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल कुरान की जो एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की थी, सूरह मायदा की आयत नंबर 6, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, और अगर तुम जो है जुनूबी हो तो नहा लिया करो, ठीक, अगर तुम में से कोई शख्स जनाबत की हालत में हो तो वो गुस्ल ले ले, एक बात ये थी। दूसरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की एक रिवायत है, आपने फरमाया कहा, जब दोनों की शर्मगाहें आपस में मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, ठीक, इसलिए मैंने कहा मनी खारिज जो है ना, जब दोनों की शर्मगाहें मिल जाएं तो गुस्ल उन दोनों पर वाजिब हो जाता है, ठीक। तो ये पहली शक्ल थी गुस्ल के लिए, ठीक, जिसका ताल्लुक़ शर्मगाह से था और जिसका ताल्लुक़, ठीक, मनी के खारिज होने से था, चाहे वो बीवी से हम बिस्तरी की शक्ल में हो या सिर्फ मिलने से हो जाए कि दाखिल हुआ लेकिन अभी मनी ना भी निकला हो, या इंसान अहतलाम हो जाए, मर्द हो या औरत हो, तो गुस्ल वाजिब हुआ। दूसरी शक्ल जिसमें गुस्ल वाजिब हो जाता है वो ये है कि